प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अल्फाबेट, जो कि इंग्लिश सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है। तो चलो हम इसको इसके साथ शुरू करते हैं, और पहले मैं एक बार इसको रिपीट करूँगा और फिर जाके अपने घर बैठ के इसको रिवीजन करना है। तो चलो शुरू कर। ए बी सी डी ई एफ जी H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y जेड। तो इसको हम ऐसे भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं। और अब मैं इसको बताऊंगा कि एक दूसरा तरीका जिसको हम इसको रिवीजन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं वो तरीका कौन सा है। ए ए फॉर एप्पल, बी बी फॉर बाल, सी सी फॉर कैट, डी डी फॉर डॉग, E E for elephant, F F for fish, G G for grapes, H H for hen, I I for ice cream, J J for jug, K K for kite, L L for lion, M M for mango, N N for nest, O O for orange, P P for parrot, Q Q for queen, R R for red, S S for spoon, T T for tiger, U U for umbrella, V V for van, W W for watch, X X for Xmas tree, Y Y for yak, Z Z for zebra। तो बच्चों देखा आपने अल्फाबेट को हम कैसे काउंट करते हैं और कैसे हम इनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और ऐसे हम इनको सीख सकते हैं घर बैठे आसानी से। अब बच्चों आपको घर जाना है और इसको आराम से बैठ के वीडियो को रिपीट करना है और देखना है और फिर इसको रिवाइज करना है और फिर मुझे बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो वीडियो में बस बच्चों इतना ही। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।